गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता शर्मा योर EVS टीचर। आर रिवीजन वर्क इज गोइंग ऑन। हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है। आज हम लोग चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे और फिर से रीड करेंगे। हमारा चैप्टर 2 है माई फैमिली। चैप्टर 2 हमारा क्या है? माई फैमिली। फैमिलीज हैव ए लॉट ऑफ फन टूगेदर। परिवार में हम एक दूसरे के साथ रह के खूब मज़े करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें परिवार के साथ रह के। दे हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर। और हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। कोई परेशानी हो, खुशी हो, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। परिवार कई तरह के होते हैं। अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर इज नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिली। एक परिवार जिसमें माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं उनके, ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। कैसे कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। अ फैमिली दैट कंप्राइजेस ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रेन लिविंग टूगेदर इज़ नोन एज अ जॉइंट फैमिली। और वो फैमिली जिसमें हमारे दादा दादी भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आंट एंड, ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली। क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। A family that comprises grandparents, parents and their children living together is known as a joint family. ऐसी family को क्या बोला जाता है? Joint family. Aunt, uncles and their family may also be a part of joint family. और जॉइंट फैमिली में आपके आपके अंकल भी आपके साथ रहते हैं, आपकी आंट भी रहती हैं, आपके कजिन्स भी हो सकते हैं आपके जॉइंट फैमिली में। और जॉइंट फैमिली एक बड़ा परिवार होता है जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके बच्चे, आंट, अंकल और भी ढेर सारे आपके कजिन्स और भी ढेर सारे लोग आपके साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिलीज़ की कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर और जॉइंट दो तरह की फैमिलीज आपकी होती हैं। न्यूक्लियर एकल परिवार, जॉइंट संयुक्त परिवार, दो तरह की फैमिलीज आपकी होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली। यहाँ पे हमारी अलग अलग तरह के परिवार शो किए गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं, इसमें हम लोग अलग अलग की तरह की फैमिलीज को देखेंगे। समीरा एंड हर ब्रदर विक्रम एंड देयर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे समीरा है, उसका भाई है और उसके पेरेंट्स हैं। ये कैसी फैमिली है हमारी जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रेन होते हैं? वो कैसी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली। कैसी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली। अमरिंदर एंड हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखो दूसरी तरह की फैमिली है। कुछ फैमिली में एक बच्चे होते हैं, कुछ में दो होते हैं। इस तरह से हमारी फैमिलीज होती हैं। अब देखो यहाँ पे अमरिंदर है और उसके साथ कौन रहता है? सिर्फ उसके पेरेंट्स, उसके
मम्मी पापा ही उसके साथ रहते हैं। ऐसी भी फैमिलीज हमको देखने को मिलती हैं। रेहान हिज मदर एंड देयर डॉग। रेहान यहाँ पे अपनी मदर और अपने डॉग के साथ है। इस्मिता हर मदर हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर डॉग। यहाँ पे इस्मिता है, उसकी मदर हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी हैं और उनका एक कुत्ता भी है उनकी फैमिली का मेंबर। ये उनकी फैमिली का मेंबर इनका डॉगी भी है। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी फैमिली दिखी हमें? एक फैमिली दिखी समीरा की, जिसमें उनके पेरेंट्स रहते हैं उनके साथ, उनके मदर और फादर। एक फैमिली दिखी हमें अमरिंदर की, जिसमें उनके पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर। और यहाँ पे दिख रहा है हमें रेहान, जिसमें वो अपनी मदर के साथ दिखाई दे रहा है और उसका एक अपना पेट है, डॉगी भी है। और यहाँ पे इस्मिता है और उसकी मदर और उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी हैं। ये फैमिलीज हैं, सब मिलके साथ में रहते हैं। वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज। सेलिब्रेट मनाते हैं स्पेशल विशेष दिन, बर्थडे जन्मदिन, एनिवर्सरी सालगिरह, फेस्टिवल्स त्यौहार। ये हमारे हार्ड वर्ड्स हैं। इसमें समटाइम्स कभी कभी ऑर्गेनाइज उत्सव को आयोजन करते हैं, इनवाइट बुलाते हैं रिलेटिव्स को, रिलेटिव्स रिश्तेदार को। ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं। इनकी स्पेलिंग भी आप लर्न करिएगा, स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए। स्पेलिंग स्पेशली हमें ध्यान दे रहा है, स्पेलिंग सब लर्न करनी है, सारे वर्ड्स की स्पेलिंग हमें लर्न करनी है, हमें स्पेलिंग ज़रूर आनी चाहिए। वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज। हम कुछ फैमिली के साथ रह के हम कुछ स्पेशल डेज भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारा सच एज बर्थडे। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, केक काटते हैं, करते हैं ना? तो कुछ स्पेशल डेज होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं और जिसमें चाहते हैं कि हमारे सारे फैमिली के मेंबर्स भी हमारे पास आएं और हमारे रिलेटिव्स भी हमारे साथ उसमें शेयर करें हमारी खुशियों को। एनिवर्सरीज, सालगिरह भी मनाते हैं कुछ लोग, सब साथ में सालगिरह मनाते हैं। जैसे कोई भी, जैसे शादी की सालगिरह होती है या कोई भी ओकेज़न होता है, हम उस पर भी सालगिरह मनाते हैं। भाई आज ये एक साल पूरे हो गए, किसी के यहाँ मंदिर निर्माण होता है, उसके एक साल पूरे हो जाते हैं तो उसका सालगिरह मनाते हैं। इस तरह से हम क्या मनाते हैं, साल एक साल पूरा होने पर एनिवर्सरी मनाई जाती है। फेस्टिवल्स, त्यौहार भी हम एक साथ मनाना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो त्यौहार पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो कहाँ जाते हैं? अगर दूर रहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा कर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज सच एज बर्थडे, एनिवर्सरीज एंड फेस्टिवल्स विद आर फैमिली। हम कुछ स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है और त्यौहार। ये हम अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करते हैं। वी समटाइम्स ऑर्गेनाइज पार्टीज वेयर वी इनवाइट आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और कभी कभी हम कुछ पार्टियां भी करते हैं, कुछ आयोजन ऐसे भी करते हैं, जैसे हमें कोई खुशी प्राप्त हो जाती है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए हम पार्टी भी देते हैं। जैसे आप कभी कोई बहुत अच्छी रैंक लाया, किसी की जॉब लग गई, तो लोग खुश होकर के पार्टी देते हैं, भाई आप आओ और हमारी खुशियों को हमारे साथ सेलिब्रेट करो। तो इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए
हम किसको बुलाते हैं? अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी अपने घर बुलाते हैं। अपनी खुशियां हम किसके साथ बांटते हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हम अपनी खुशियों को शेयर करते हैं। और हम जब अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ये सारी खुशियां शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी, सुरक्षा। देयर आर मैनी पीपल हु माइट वॉन्ट्स टू हर्ट अस। कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमें नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, तो फैमिली में हमें सेफ्टी भी मिलती है और हम अपनी कोई भी बात हमें अपनी फैमिली में हम उनसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम्स है तो वो सारे फैमिली मेंबर्स मिल करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। और फैमिली में कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होता है, लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके हम उनको उन प्रॉब्लम्स उनको कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो फैमिली में रहने के हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं हर जगह, और हमें हर जगह सेफ्टी भी हमारी ज़रूरी है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर सेल्व्स एंड बी केयरफुल ऑफ सच पीपल। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना भी केयर करना चाहिए खुद से, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल हु माइट वॉन्ट्स टू हर्ट अस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिनसे हमें नुकसान पहुंचने का डर रहता है। तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, हमें अपने प्रति खुद केयरफुल रहना है, खुद अपना ध्यान देना है। इफ़ समबडी टचेस इन अ वे दैट मेक्स अस कंफर्टेबल, कोई भी इंसान अगर आपको कभी भी कहीं भी टच कर रहा है और आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ट्राइज टू अस और गिव अस द ऑफ फीलिंग, यानी कि उसके छू टच करने से, उसके छूने से हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही और हम बेकार है, ऐसे अजीब सा फील कर रहे हैं। अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो वी मस्ट से नो, हमें उसको ऐसा करने से तुरंत रोकना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसी जगहों पे टच करने की कोशिश करता है जहाँ पर आपको उसका टच करना पसंद नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत उसको बोलिए, तुरंत उसको ना करिए, बिल्कुल डांटिए उसको, बोलिए ऐसे नहीं करिए, बिल्कुल आप उस पर एक्शन लीजिए, बोलिए नहीं ऐसा नहीं करिए, उसको डांटिए एंड मूव अवे और वहाँ से चले जाइए। एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट हुम वी ट्रस्ट, और तुरंत जा करके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, आपके घर में कोई भी बड़ा हो उसको तुरंत इन्फॉर्म करिए कि इस तरह से जो है ये मुझे टच करता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या किसी को भी, आप किसी भी ऐसे पर्सन को जिसे आप जो आपके साथ कुछ भी ऐसा कर रहा है जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तुरंत अपने से बड़ों को इन्फॉर्म करिए। दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। कोई भी बच्चा हो, अगर आपके साथ कोई भी इंसान अगर कोई गलत तरह के काम कर रहा है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो तुरंत अपने से बड़ों को इन्फॉर्म करिए, बताइए और तुरंत उसको उसी समय उसको जो है उसको उसके अगेंस्ट जाइए, तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत उसको मना करिए उस चीज़ को करने के लिए, और उसके बाद अपने से बड़ों को बताइए। और दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, कोई बिना हमारी परमिशन के हमें हर्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी किसी को हमें हर्ट करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता है कोई भी करता है, तो तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए और अपने से बड़ों को इन्फॉर्म करिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए
बेहद ज़रूरी चीज़ है।